निकालूंगा। चंडर, इस तरह लोगों को हवालात में बंद करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, जबकि इनके खिलाफ तुम्हारे पास कोई सबूत कोई चार्जशीट नहीं है। जब तक इनके खिलाफ मेरी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती आईजी साहब, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे खिलाफ आप हो या कोई हो। इस तरह कब तक इन्हें बंद रखोगे? मेरे ऊपर भी लोग हैं, मुझे उन्हें जवाब देना पड़ता है। अच्छी तरह जानता हूं उन लोगों को भी जिन्हें जवाब देने के लिए आपकी जान निकली जा रही है। शराब जानते हो किससे बात कर रहे हो? यहां बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, मैं कानून के उस रखवाले से बात कर रहा हूं जो पुलिस की वर्दी पहनकर कानून की आड़ लेकर मुजरिमों को पनाह देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं आईजी साहब, उस दिन कानून किस ताक पर रख दिया था जिस दिन मेरी मासूम भतीजी ने आत्महत्या की थी? कौन सी काल कोठरी में कानून को छुपा दिया था जिस दिन दीपक का कत्ल हुआ था? खुद कानून की हद तोड़कर मुझे कानून की बंदिशें सिखा रहे हो? ये है आपका कानून, रखिए इसे अपने पास। आज से मैं आजाद हूं और छोड़ दीजिए इनसे, इन मुजरिमों को छोड़ दीजिए। काश मुझे पता चल जाता कि वो धमकी भरा खत भेजने वाले मुजरिम आपकी पनाह में पल रहे हैं, तो उसी दिन इस्तीफा मैं आपके हाथ में थमा देता। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि उन्हें खत्म करने के लिए मैंने आपका और कानून का सहारा लिया, वरना आज तक उन कुत्तों की गली सड़ी लाशें आप तक पोस्टमार्टम के लिए पहुंच चुकी होती। आज इस चैलेंज के साथ जा रहा हूं आजी साहब, अगर आप में और आपके कानून में हिम्मत है तो बचा लीजिए उन कुत्तों को। इसको माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। बोल नहीं तो गर्दन काट के फेंक दूंगा साले। बता दे, हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। प्रेमानंद भुजाल शादीलाल, प्रेमानंद भुजाल शादीलाल, मैंने तुझसे झूठ कहा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, नहीं तो गोली मार दूंगा। आगे नहीं बढ़ना, मैं बोलता हूं आगे नहीं बढ़ना।
मुझे माफ कर दो शंकर, मेरा कोई कसूर नहीं शंकर, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा शंकर, प्लीज मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अंत हो गया है, तेरी अंतम घड़ी करीब है, भाग सकता है तो भाग, मैं आ रहा हूं। वो शादीलाल ने और प्रेमानंद ने किया, मुझे माफ कर दो, मैं निर्दोष हूं, मुझे माफ कर दो शंकर।
वेलकम वेलकम वेलकम। तूने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े शैतान देखे होंगे, लेकिन आज तेरी मुलाकात शैतानों के शहनशाह शादीलाल से हो रही है, जिसके पास इंसान तो क्या, खुद शैतान पना मांगने आते हैं। पांच साले को परमानेंटली। शंकर की पूजा को मैंने नष्ट कर दिया टेम्पररली, पूजा के दीपक को मैंने बुझा दिया परमानेंटली, और तूने अपने खानदान की दो मौतों का हिसाब मेरे दो दोस्तों को मारकर पूरा कर लिया, और अब अपने दोस्तों के खून का हिसाब मैं तुझसे लूंगा, और वो भी परमानेंटली। ये है प्रेमानंद के नाम का निशान। डर गया। ये है भुजाल के नाम की निशानी, और अब तेरी गर्दन उड़ाकर उस हिमाकत का बदला लूंगा जो तुझे शादी लाल को खत्म करने के लिए यहां तक खींच कर लाई है। ये ले। भगवान जेब में डाल रखा था, जी भर के आयशियां करते रहे तुम, लोगों में मौत बांटी है तुमने। बेचारे दीपक की जान तो ली थी, उस मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा तुमने, जिसे मैंने ये कहकर जिंदा रखा कि उसका दीपक जिंदा है, उसका सुहाग जिंदा है, उसे ये बताकर तुमने उसे खत्म कर दिया, उसका मंगलसूत्र छीन लिया उससे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तरस तरस खाओ मुझ पर, रहम खाओ मुझ पर। रहम तरस, किस नाम की कोई चीज तुम्हारे पास है? इस लफ्ज का थोड़ा सा पास है तो तुम पर तरस खाता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने उस मासूम बच्ची, उस अपनी बेटी की चिता पर कसम खाई है कि मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग सकता है तो भाग, भाग राम साथे, भाग राम साथे, भाग। Hey!
शंकर को आईपीसी की धारा 302 के तहत शादीलाल, भुजाल, प्रेमानंद और बहादुर के कत्ल के जुर्म में दोषी पाया गया। शंकर 14 वर्ष जेल की सजा काटने के बाद